साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल होम्योपैथी इन इजी वे में, और साथ ही मैं स्वागत करता हूँ हायोसाइमस पार्ट टू में। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि एक ऐसा बंदा जो धोखा होने के डर से डरा हुआ है, हर जगह वो उसको जो है ऐसे ही लोग दिखाई पड़ते हैं जो उसको धोखा देने की ताक में बैठे हुए हैं, उनसे बचते बचाते ग्रोपिंग करते हुए और इंक्वायरी करते हुए स्पाइंग करते हुए वो आप तक अल्टीमेटली पहुंच गया। अब हम आगे इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे वो आपसे रूबरू होता है, आपको कैसे आपके सामने प्रेजेंट होता है, और किस तरीके से माइंड की रूब्रिक्स के सहारे इस मेडिसिन को, इस बंदे को हम पहचानेंगे। तो मित्रों, जब अब वो आपके पास आता है तो पहली बात तो जो इसका एंट्रेंस होता है वो हमेशा उसकी आंखों में ऐसा लगता है जैसे वो किसी चीज़ को ढूंढ रहा है, इधर उधर देखते हुए, आपके बोर्ड को पढ़ते हुए, रिसेप्शनिस्ट से बात करते हुए, पेशेंट से बात करते हुए, अल्टीमेटली जब आपके केबिन में इंटर करता है तो भी उसके माथे पर एक जो है लकीरें बनी होती हैं, जो फ्रॉन जिसको बोलते हैं, तो रूब्रिक है फ्रॉन डिस्पोजिशन टू, मतलब माथे पर एक सिकुड़न रहती है, एक ऐसा रहता है कि क्या है, कैसे है, क्यों है। जब इस तरीके के भाव से हम गुजरते हैं तो जो हमारा फेशियल एक्सप्रेशन होता है वो है फ्रॉन डिस्पोजिशन टू। अब जब वो आपके सामने पहुंचता है तो एक रूब्रिक आती है रेवरेंस फॉर दोज अराउंड हिम। इस रूब्रिक को हमने सल्फर के वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है, यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। रेवरेंस का मतलब होता है कि आपके हृदय से श्रद्धा होना, अंतर आत्मा से श्रद्धा होना, और इस श्रद्धा भाव के साथ आप सामने वाले को रिगार्ड करते हैं, डॉक्टर साहब नमस्ते, मतलब पूरी जो है नम्रता के साथ, विनम्रता के साथ, और अच्छे ढंग से आपसे वो आपको रिगार्ड देगा। उसके बाद फिर अब वो आप जब उसको बैठने के लिए बोलेंगे तो वो बैठेगा। तो ये उसका जो पहला स्टेप होता है वो भी इसलिए होता है क्योंकि अब उसको आपसे इलाज कराना है। ऐसा नहीं है कि वो जो उसने पूरी तरीके से आप पे विश्वास कर लिया है, बल्कि ये है कि अब वो आपको, अपने आप को आपके सामने ऐसे प्रेजेंट करेगा जिससे आप खूब अच्छी तरीके से उसके केस को लें, अच्छी तरीके से ध्यान दें और अपनी पूरी नॉलेज लगा के उसको दवा दें, ताकि उस दवा से वो ठीक हो जाए, ना कि उस दवा से उसकी दिक्कतें बढ़ जाएँ। फिर अगली रूब्रिक फिर वो आपसे बातचीत शुरू करता है, डॉक्टर साहब मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, और फला ने बताया, उन्होंने बताया, मेरे घर वालों ने भी आपसे बहुत कई बार इलाज लिया है, और उसके बाद फिर जो है मैंने सोचा कि डॉक्टर साहब अब आप ही को दिखाता हूँ। एक तो सर आपके यहाँ मैंने जो है जो भी लोग आते हैं वो ठीक हो जाते हैं, आपका केस लेने का तरीका बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे से मरीजों को देखते हैं, आप फालतू के खर्चे नहीं करवाते हैं। डॉक्टर साहब यहाँ बाहर तो जितने लोग हैं सब एकदम लुटेरे हैं, मतलब आप ये समझिए कि किसी डॉक्टर के पास आप पहुँच जाइए वो जो है तुरंत आपको 2000-4000 रुपए की जांच लिख देगा, उसके बाद उसी पैथोलॉजी पर भेजेगा जहाँ पर उसको जांच कराना है, फिर उसके बाद वहाँ से उसका कमीशन बंधा होता है, उसी मेडिकल स्टोर पर भेजेगा जहाँ से उसको दवाई लेनी है। डॉक्टर साहब पूरी लूट मची हुई है। अभी इसके पहले मुझे जब खांसी हुई थी तो मैं फला डॉक्टर साहब के यहाँ गया और उसके बाद मैंने उनको दिखाया, डॉक्टर साहब उन्होंने ऐसी दवाई दे दी कि खांसी ठीक होने के बजाय मेरी जकड़न और बढ़ गई, डॉक्टर साहब ये घुटना ठीक होने के बजाय दूसरे घुटने में भी दर्द पकड़ लिया, बताइए क्या डॉक्टर है दिया दर्द इसका सही करने के लिए पेट में और जलन पैदा हो गई। तो डॉक्टर साहब पता नहीं क्या ये लोग करते हैं, क्या करते हैं, हमको तो लगता है कि इनको कुछ नहीं आता जाता है। इस तरीके से वो आपसे बात करेगा, मतलब आपकी तारीफ करेगा और आपके पहले वाले जो है जो डॉक्टर्स को दिखाया है उनके बारे में आपसे उल्टी सीधी बात करेगा, ऐसी बात करेगा जैसे वो जो है वो बेवकूफ़ है। तो यहाँ पर आपको तुरंत जो है ये समझ जाना चाहिए कि ये बंदा जो है ये हमको इसलिए ताड़ पे चढ़ा रहा है, इसलिए हमको ऊपर चढ़ा रहा है ताकि हम इससे खुश हो जाएं और अच्छी तरीके से इससे देखें। पहले ही उसने बता दिया कि और लोग लुटेरे हैं और लोग फला जांच लिख देते हैं, आप जांच मत लिखिए, अब आप जो है जो इसका जो है जो दवाई है उसको उस हिसाब से आप कम पैसे में आप इसको देख लीजिए, ये उसके पीछे छिपा हुआ भाव है। तो तीन चार रूब्रिक इसमें आ गई। एक तो है इंसाइटिंग अदर्स, इंसाइटिंग अदर्स का मतलब दूसरे को जो है दूसरे की प्रशंसा करना, अपने हित के लिए, अपने उसके लिए दूसरे को इंसाइट करना, दूसरे को जो है दूसरे की प्रशंसा करके उसको झाड़ पे चढ़ाना, ये मतलब होता है। दूसरी रूब्रिक है डेलिरियम रिप्रोचफुल, डेलिरियम रिप्रोचफुल का मतलब दूसरे जो जो दूसरे लोग हैं
उनको जो है उनके बारे में इतना उल्टा, देखिए दोनों रूब्रिक अलग अलग हैं, आपको आपकी प्रशंसा कर रहा है, दूसरे को के लिए डिलेरियसली रिप्रोचफुल है। मतलब कि डिलेरियम का मतलब मैंने फिर आपसे बताया कि ऐसी अवस्था जिसमें बाकी चीज़ें गौण हो जाती हैं, आपका दिमाग केवल उसी पे लगा होता है और दूसरे को भी लगता है कि यार ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो इस तरीके से अरे डॉक्टर साहब ये लोग पढ़े लिखे हैं, मतलब डॉक्टर के नाम पे कलंक है, पता नहीं क्यों बैठे हुए हैं, गाली तक दे देता है दूसरे को, इस तरीके से दूसरे के बारे में जो है उल्टा सीधा बात करना, गधे हैं, कुछ नहीं आता जाता है, पता नहीं कैसे जो है क्लिनिक खोल के बैठे हुए हैं, ये है डिलीरियस रिप्रोचफुल। अगर उतना नहीं जाएगा तो इतना कम से कम जाएगा स्लेंडर डिस्पोजिशन टू, मतलब दूसरे को बदनाम करने के लिए, दूसरे को दूसरे के बारे में ऐसी चीज़ों को बताना जिससे कि उनका मान हानि हो। मतलब वो अगर डॉक्टर है तो कुछ नहीं आता है, अरे डॉक्टर साहब दवा किसके लिए लेने गए थे, देखिए इतनी दवाई पकड़ा दी, मतलब आपको लगे अच्छा ये मतलब उसकी बुराई कर रहा है। तो इस तरीके से ये दो तीन रूब्रिक आ गई। उसके बाद फिर जो है डिल्यूजन रॉन्ग सफर्ड रॉन्ग ही है, इस पूरी रूब्रिक में मैंने अलग से लिया है, और इसका मतलब ये होता है कि डॉक्टर साहब जब से मैंने उनकी दवाई खाई है तब से मुझे ये दिक्कत हो गई है, वो चीज़ ठीक हुई कि नहीं ठीक हुई वो एक अलग की चीज़ है, लेकिन जब से मैंने ये खाया है तब से मुझको ये समस्या हो गई। वो उससे रिलेटेड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसका दिमाग एक जगह पे अटक गया है, मैंने जब से वहाँ पे खाना खाया तब से मुझे डायरिया शुरू हो गया, आज तक ठीक नहीं हुआ, जब से मुझे कमर में वो ऑपरेशन वाला इंजेक्शन लगा डॉक्टर साहब तब से मेरे कमर में दर्द शुरू हो गया, वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है, उसी के बाद से मुझको ये दिक्कत शुरू हो गई। तो डिल्यूजन रॉन्ग सफर्ड रॉन्ग ये है, इसी के साथ वो आपसे बात करता हुआ चला जाएगा। उसके बाद में फिर हमने अभी आपसे बताया कि डिल्यूजन सोल्ड बीइंग, डिल्यूजन मतलब उसको ऐसा लगता है, सोल्ड का मतलब बेचा जाना, जो पहले से बेचा जा रहा है, और बीइंग लगातार उसको बेचा जा रहा है, उसको बेच दिया डॉक्टर साहब। मतलब अगर आप जो है डॉक्टरों के चक्कर पड़िए, ऐसे लोगों के चक्कर पड़िए, तो ये आपका जो है लोटा थरिया तक बिकवा देंगे, ये इतना जांच करवाएंगे, वही बोतल आएगा, फिर लगेगा, फिर नहीं लगेगा, जहाँ 10 रुपये की दवाई की ज़रूरत है वहाँ 500 रुपये की दवाई लिखेंगे। मतलब आप समझिए कि अगर आप बीमार पड़े तो आप बिक गए। तो इस तरीके से जो बात करेगा, तो ये हो गया डिल्यूजन सोल्ड बीइंग। उसके बाद फिर अगली रूब्रिक है, डिल्यूजन पॉइजन मेडिसिन बीइंग। इसका क्या मतलब होता है कि डॉक्टर साहब आप, मुझको लगता है ये जो दिक्कत हुई है ये उसी दवाई का जो है साइड इफ़ेक्ट है, साइड इफ़ेक्ट के नाम से ये बहुत डरता है, और अक्सर इसीलिए होम्योपैथी में आता है। आप जब पेशेंट से पूछते हैं आप होम्योपैथी में क्यों आए, तो डॉक्टर साहब इसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, मैं डॉक्टर साहब अंग्रेजी दवाई बिल्कुल नहीं खाना चाहता, उसका एक इतना साइड इफ़ेक्ट होता है, एक चीज़ ठीक करने जाओ वो दूसरी चीज़ वो जो है वो हो जाती है। तो ये जो है ये हायोसाइमस की जान है, ये फियर बिट्रेड में भी ये बात फिट होती है, और इस रूब्रिक में भी फिट होती है, डिल्यूजन पॉइजन मेडिसिन बीइंग। मतलब मेडिसिन जो है वो पॉइजन के तरीके से काम कर रही है, ठीक करने के बजाय उसको और ज़्यादा बीमार कर रही है, और ज़्यादा उसका नुकसान कर रही है। डॉक्टर साहब जो अंग्रेजी दवाई होती है उसको खाने के बाद पूरा पेट हमारा जलने लगता है, इसीलिए मैं दवाई नहीं खाना चाहता हूँ। सर आपके पास आया हूँ, आप भी सर ऐसी दवा मत दीजिएगा जो ज़्यादा हार्ड हो, आप सर ऐसी दवाई मत दीजिएगा कि जो थोड़ा सा जो है हमारी बीमारी को बढ़ा दे, क्योंकि कभी कभी होता है कि इसमें बढ़ भी जाता है। इस तरीके की जो लैंग्वेज है ये है इसमें। डॉक्टर साहब फला डॉक्टर के यहाँ मैं गया था, उसने सर जो है 1200 रुपये की जाँच लिखी, 800 रुपये की दवाई दी, और फ़ायदा 1 पैसे का नहीं हुआ। ये सर जो है ये कह रहा है, एक तो सिलेंडर कर रहा है, रिप्रोचफुल में है। अगली बार जो इसमें और एक रूब्रिक फिट होती है वो है बिजनेस टॉक में, टॉकिंग बिजनेस मतलब जब भी ये आपसे बात करेगा तो चूंकि इसको डर है कि कहीं ये लोग जो है लुटेरे हैं, धोखेबाज है, आपको भी वो इसी उसमें रख रहा है, लेकिन बड़ी होशियारी से आपको वहाँ से किनारे कर दिया, आपको इंसाइटिंग अदर्स मिले गया, बाकी को उसने एक ग्रुप में डाल दिया कि सब ऐसे ही करते हैं, डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छे हैं, आप जांच नहीं लिखते हैं, आप सर जांच करवाते नहीं हैं। तो जांच करवाने से भी ये बंदा भागता है, दो कारण, एक तो उसको कमीशनबाजी, लुटेरी
इन सब का डर है कि ये सब कमीशन खाते हैं, पर जांच एक की ज़रूरत होती है तो 500 रुपये एक जांच लिख देते हैं और वहाँ पर भेजते हैं, बेच ले रहे हैं हमको। दूसरा ये जो है बंदा लाइट सन्स का मतलब होता है, लाइट का मतलब प्रकाश, कई बार इस पे हमने जो है इस रूब्रिक पर भी वीडियो बनाया है लाइट डिजायर फार्म में, उसमें लाइट को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। लाइट का मतलब होता है कि जो चीज़ अंधेरे में है उसको उजाले में ले आना, किसी भी चीज़ पर प्रकाश डालना, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना, ये है लाइट। और लाइट सन्स का मतलब होता है कि उस लाइट को अवॉइड कर देना, उस लाइट को कॉन्शियसली जानबूझकर अवॉइड कर देना, और उधर उस तरफ अवॉइड करने का जो मतलब होता है कि हम एक तरफ से उसके बारे में जानकारी भी है, हमको पता भी है, जानना भी चाह रहे हैं, लेकिन नहीं भी जानना चाह रहे हैं, मतलब कि बाईपास कर देना। बाईपास का मतलब होता है जैसे आप शहर से निकल रहे हैं और शहर के में आप ना जा कर के वहाँ भीड़ भाड़ से बचने के लिए, दिक्कत से बचने के लिए, समस्या से बचने के लिए आपने दूसरा रास्ता पकड़ लिया और बाईपास होते हुए निकल गए, लेकिन आप वहाँ से निकले हैं। आप अगर अयोध्या से बाईपास से निकल रहे हैं तो आप अयोध्या से निकल रहे हैं लेकिन अयोध्या की जो चीज़ें हैं उनको आपने अवॉइड करते हुए वहाँ से निकल गए। मतलब क्या हुआ कि आप उसको छू के निकल रहे हैं, वहाँ से आप जानकारी लेना भी नहीं चाह रहे हैं लेकिन आप उसको छोड़ना भी नहीं चाह रहे हैं। जैसे आप जानते हैं, कहते हैं ना कि आँख कबूतर के ऊपर अगर कोई जो है विपदा आती है तो वह आँख बंद करके उसमें ऐसे अपनी अपना सर जो है वो मिट्टी में घुसा लेता है। मतलब वो ये चाहता है कि मैंने आँख बंद कर लिया, अब जो भी ये विपदा है मैं छुप गया हूँ, जो भी चीज़ें हैं ये यहाँ से निकल जाए, यहाँ से ये मतलब जो शिकारी हो जो हो वो निकल जाए, लेकिन वो निकलता नहीं, वो उसको झपट लेता है। यही एग्जैक्ट स्थिति हायोसाइमस की होती है, वो जो बीमारी होती है, जो उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जब हायोसाइमस का पेशेंट आपके पास आता है तो वो क्यों आता है पहले इसको अच्छे से समझ लीजिए, तो आपको रूब्रिक अच्छे और अच्छा समझ में आएगी। वो कभी अपनी प्रेजेंट कंप्लेंट का इलाज करवाने के लिए नहीं आता है, हाई स्पिरिटेड होता है, हाई स्पिरिट में होता है ये। इसका मतलब कि जो भी चीज़ें होती हैं, जब अगर इसको तबीयत ख़राब होती है, सर्दी खांसी जुखाम बुखार एक्स वाई जेड कोई कंप्लेन आती है, तो ये अपनी स्पिरिट को हाई करता है, लंबी लंबी सांस लेता है। ये मैं आपको एग्जरगरेट करके बता रहा हूँ, लेकिन जो उसके उसका जो सटल मीनिंग है आप उसको समझिए। ये उस चीज़ के लिए अपने आप को तैयार करता, नहीं नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं होगी। एक तरफ फियर भी है, डर भी है कि कहीं कोई बड़ी दिक्कत ना हो, लेकिन दूसरे तो नहीं नहीं आल इज बेल मतलब आमिर खान वाली कि नहीं नहीं कुछ नहीं है। वो उसको करके फिर थोड़ा सा सेंधा नमक खा लेगा, थोड़ा सा काला नमक खा लिया, थोड़ा अजवाइन खा लिया, थोड़ा ये खा लिया, उसको अपने आप को मैनेज करता है कि हमको डॉक्टर्स के पास ना जाना पड़े, अवॉइड करे। और दूसरी तरफ अपने आप को बताता रहता कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है, लेकिन फिर जब इसकी दिक्कत और बढ़ती तब ये डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर को से बात करता है, सर आप देख लीजिए कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं है, मतलब हमारे अंदर कहीं कोई ऐसी बीमारी तो नहीं चल रही जो हम कुछ और समझ रहे हैं और ये कुछ और निकले। आज जो कंप्लेन है इतना तो ठीक है, लेकिन इससे मेरी किडनी खराब हो जाए, इससे मेरा गुर्दा खराब हो जाए, इससे मेरा फेफड़ा खराब हो जाए, आगे चल के लेने के देने ना पड़ जाए। मतलब ये एग्जैक्ट फीलिंग के साथ आता है कि यहाँ पर तो ठीक है, इसके आगे बढ़ेगी बात गड़बड़ हो जाएगी। ये है बेड डिज़ायर टू रिमेन इन। बेड डिज़ायर टू रिमेन इन का मतलब होता है, बेड का मतलब होता है कि ऐसा प्लेस जहाँ पर आप आराम से, चैन से, सुकून से, सिक्योर्ड वे में आप लेटे हुए हैं, आप उस कंडीशन में हैं जहाँ पर आपको कोई विशेष समस्या नहीं है। अगर बेड में मच्छर काट रहे हैं तब भी चलो ठीक है, लेटे हुए हैं, अगर कुछ थोड़ा बहुत बेड हार्ड भी है तब भी चलो ठीक है, लेकिन यहाँ से उठने के बाद जब हम नीचे जाएंगे तो किस कंडीशन में जाएंगे, ये उस कंडीशन से डरता है। तो बेड डिज़ायर टू रिमेन इन लाइट सन्स का मतलब जब आप वहाँ पर पहुँचे तो डॉक्टर साहब से आपने कहा, डॉक्टर साहब क्या हो सकता है सर ये, तो डॉक्टर साहब ने कहा था कुछ नहीं, आपको ये एक काम करता हूँ, मैं एक एक्सरे लिख देता हूँ, कुछ ब्लड टेस्ट लिख देता हूँ, ये आप इसको करवा लीजिए। नहीं नहीं डॉक्टर साहब आप तो ऐसे भी दवा दे देते हैं। नहीं नहीं आप करवा लो, आप जानना चाहते हो कि क्या दिक्कत है। हाँ सर जानना तो है, लेकिन फिर भी जो है दवाई दे दीजिए, हो सकता है ठीक हो जाए। आप भी कहते हो नहीं, आप एक काम करो, मैं जाँच लिख देता हूँ, मैं 2 दिन की दवाई दे देता हूँ, आप 2 दिन बाद आप जाँच करा के आ जाइएगा। वो जांच कराने नहीं जाता है, इसलिए नहीं जाता है क्योंकि
कितने मरीजों से आपने ये सुना है, डॉक्टर साहब जांच मत लीजिए, पता नहीं कहीं कुछ अब रिपोर्ट में निकल गया तो, डॉक्टर साहब कहीं कोई बीमारी निकल गई तो, बिना मतलब जो है लेने के देने पड़ जाएंगे। मतलब वो मेंटली उस चीज़ से बचना चाहता है जो आगे बड़ी चीज़ हो, कहीं ऐसा ना हो कि हमको कैंसर निकल जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे डायबिटीज निकल जाए। एक श्रीवास्तव जी थे, वो हमारे इलाज में थे, उनको जो है तमाम सारी डायबिटीज़ के लक्षण थे और मैं उनसे कहता रह गया 6 महीने, जब वो हर बार दवाई लेते, अच्छा डॉक्टर साहब लिख दीजिए मैं आपकी करवा लूँगा, लेकिन बंदे ने जाँच नहीं करवाई तो नहीं करवाई। 6 महीने बाद अल्टीमेटली जब वो किसी, जब उनकी दिक्कतें बढ़ गई और वो जा करके किसी जो है उन्होंने आगे जो है नर्सिंग होम में दिखाया, तो उन्होंने जांच वहाँ पे करी खुद से और वहाँ पर उसको जो है डायबिटीज निकला। तब मुझे हायोसाइमस नहीं पता थी, तब मैं इससे उससे नहीं करता था, ये पहले मतलब काफ़ी पहले की बात है, इस ट्रेंड से मैं प्रैक्टिस नहीं करता था, आज होता तो शायद मैं उनको हायोसाइमस दे चुका होता। तो ये इस तरीके का बंदा होता है, कई बार हमसे टकराता है, डॉक्टर साहब जाँच वाँच रहने दीजिए, आप दवाई लिख दीजिए, हर मूड में कहता, हल्के मूड में, डॉक्टर साहब रहने दीजिए जाँच वाँच करवा लेंगे, आप एक काम करिए सर दवा लिख दीजिए, अभी थोड़ा सा जाना है बाहर, आपसे बहाने बनाएगा, सर ऐसा है मुझे जाना है, वहाँ से लौट के आऊँगा तो करा लूँगा, ठीक है सर करा लूँगा कोई बात नहीं, आप लिख के दीजिए, वो क्या था मैं गया था लैब बंद हो गई थी, लेकिन मैं अगली बार आऊँगा तो करा के आऊँगा। अफेक्टेशन है, अफेक्टेशन में है आपको जो है वहाँ से आपको वो बता, वो ये डायरेक्ट नहीं कहना चाहता है कि मैं डरता हूँ जांच से, तो अफेक्टेशन भी यहाँ पे दिखाता है और वो अफेक्टेशन बड़ी चलाकी से दिखाता है कि अगर आप उससे ज़्यादा चलाक नहीं होंगे तो आप उसके अफेक्टेशन को पकड़ नहीं पाएंगे। तो ये लाइट सेंस है, उसको अंदर से ये लगता भी है कि कहीं यार मुझे कोई बड़ी चीज़ ना हो, क्या हो सकता है, लेकिन अगर हम जान भी गए कहीं निकल ना जाए, अच्छा ऐसा है ये बढ़िया डॉक्टर है, काबिल डॉक्टर है, इनको मैंने दिखाया है सारी बात इनको बताई है, ये अपनी जो है सिम्टम मिला करके दवाई दे देंगे, इनको जांच वाँच की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है, मैं ठीक भी हो जाऊँगा, पता भी नहीं चलेगा ठीक भी हो जाऊँगा, मेरा काम भी हो जाएगा, तो इस तरीके की जो, और पैसे भी नहीं लगेंगे, सोल्ड होने से भी बच जाऊंगा, तो इस तरीके की जो भावना है इसके साथ जो है ये हायोसाइमस आता है। लेकिन जब आपके सामने आता है, जब आपको केस देता है, उस समय वो कहता है कि डॉक्टर साहब मैं आपसे एकदम साफ साफ बता देना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब आप डॉक्टर से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर और वकील और वैद्य मतलब वो मंत्री, अगर ये तीनों से आप जो है धोखाधड़ी करेंगे या ये आपसे झूठ बोलेंगे तो आपका राज धर्म और तन तीनों का जो है ये लॉस हो जाता है। इसलिए डॉक्टर साहब हुआ क्या था कि मैंने उस दिन ये किया था, मैंने डॉक्टर साहब उस दिन मटन खाया था, शायद उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, तो ये है मैं आपसे साफ साफ सारी बातें बता देना चाहता हूँ, ट्रूथ प्लेन ट्रूथ बता रहा है ये आपको, ट्रूथ टेलिंग द प्लेन ट्रूथ ये रूब्रिक है। उसके बाद फिर वो आपके सामने खोल के सारी चीज़ें बताता है, अगर वहाँ अगर वो कोई महिला है पुरुष है कुछ भी है और उसको जो है यहाँ भी कोई समस्या नहीं, डॉक्टर साहब आप देख लीजिए, डॉक्टर साहब आप इसको देख लीजिए तब आप दवाई दीजिए, नेकेड वॉन्स टू में है कि वो सारी चीज़ें खोल के आपको बता देगा, सारी चीज़ें सही आपको दिखा देगा, ऐसी भी चीज़ें आपको दिखाएगा जहाँ पर उसको दिखाने में हेजिटेट करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल कपड़े निकाल के खड़ा हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि आप अच्छे से देख लो, अच्छे से समझ लो, अच्छे से सोच समझ के दवाई दो, मैं अच्छे से दवाई खाऊंगा, क्या परहेज करना है क्या नहीं परहेज करना है डॉक्टर साहब आप लिख दीजिए, मतलब उसको ये डर रहता है कहीं मैं घर पे जाके भूल ना जाऊँ, तो वो खुद भी अपने सिम्टम्स लिख के आता है कई बार। और जब आप कहते हो कि आपको ऐसा है यूरिक एसिड बढ़ा हुआ, आपको अरहर की दाल नहीं खानी है, प्रोटीन वाले चीज़ें नहीं खानी, अंडा मूंगफली और जो है खट्टी चीज़ें, ये आपको परहेज करना है, डॉक्टर साहब आप एक काम करिए स्थल लिख दीजिए उस पर, डॉक्टर साहब ये जो आपने 3 शीशियाँ दी है ना इस पर लिखवा दीजिए, मतलब एकदम पक्का होना चाहिए कि जिससे कहीं से भी कोई रिस्क ना हो। तो ये इस तरीके से अगर रिस्क नहीं रहेगा, अच्छे से रहेगा, तो हम मैं अच्छे से दवा खाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा और कोई उसमें धोखे होने वाली बात नहीं है। तो बेड डिजायर टू रिमेन इन, और एक रूब्रिक है काउंटिंग कॉन्टिन्यूअली, काउंटिंग कॉन्टिन्यूअली का मतलब होता है कि वो हर स्टेप पे काउंट करता है, मैं यहाँ गया था तो मेरे इतने पैसे खर्च हो गए, इन्होंने मुझको इतनी दवाई दी, इतने की दवाई दी, इससे मुझको ये हो गया और मुझसे इतना ठीक हुआ, इससे ज़्यादा मेरा ख़राब हो गया,
फिर मैं फला के यहाँ गया, उन्होंने मुझको ये दवा दी, फिर ये दिया, फिर ये दिया, इतनी बार इतनी की जांच कराई, इतनी बार इतनी की जांच कराई, इतनी बार इतनी की दवाई दी, मुझको इतना फ़ायदा हुआ, पहले दाहिने साइड में दर्द हो रहा था, अब दोनों साइड में दर्द होने लगा। तो डॉक्टर साहब मैं जो है इतने इतने लोगों के पास जा चुका हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से वो हर स्टेप पे काउंट करता है और लगातार काउंट करता है, उसका रिजल्ट निकालता है, हर रिजल्ट में बाकी चीज़ें किनारे कर देता है, उसको उसका धोखा दिखाई देता है कि इस तरीके से मेरी इतनी बड़ी चीज़ थी और ये धोखा होते होते इतना मेरा गड़बड़ हो गया। तो ये है हायोसाइमस। मतलब अगर आपको जो है कुछ रूब्रिक्स के माध्यम से मैंने हायोसाइमस को बताने की कोशिश किया, इसको प्रेजेंट करने की कोशिश की, बहुत बड़ी मेडिसिन है, कोई इमेज मत बनाइएगा, क्योंकि ये जो है मैंने आपसे बताया कि इसकी इंटेंसिटी बहुत हाई से बहुत कम हो सकती है। इतना ये अपने आप को अगर एक लाइन में हायोसाइमस कहना चाहें तो एक लाइन में ये कहेंगे, इतना ये अपने आप को होशियार बनता है कि सामने वाले को इसकी बेवकूफ़ी दिख जाती है। मतलब जब अब आप बहुत होशियार बनने की कोशिश करते हैं, हर जगह पर आप अपना दिमाग लगाते हैं, तो सामने वाला समझ जाता है कि ये बहुत बड़ा बेवकूफ़ आदमी है। तो इसका शक एक नंबर का शक्की बंदा होता है, इसका शक जो है इसको बेवकूफ़ बना देता है। इस लाइन को याद रखिएगा। इसके साथ ही हायोसाइमस का जो पेशेंट होता है आपको जो है जब आप इससे बात करेगा आपकी खूब तारीफ करेगा, पीछे वाले डॉक्टर की खूब बुराई करेगा, आपको इंसिस्ट करेगा कि आप उससे जांच मत करवाइए, तरह तरह के बहाने बनाएगा, आपको आप समझ भी नहीं पाएंगे कि ये अवॉइड कर रहा है। तो इस तरीके से आपसे पूछेगा भी कि किस तरीके हमको डॉक्टर साहब कौन सी बीमारी है, आपको इंसिस्ट करेगा ऐसी दवा देने के लिए कि डॉक्टर साहब ऐसी दवा दीजिए कि मुझको कहीं ये बीमारी बढ़ ना जाए, डॉक्टर साहब आप खूब सोच समझ के दवाई दीजिएगा, भले ही दो दिन बाद दवा दीजिए, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से इत्मीनान से देख लीजिए। तो इस तरीके की जो है अब उसका प्रेजेंटेशन होता है, बहुत आसानी से स्किप कर जाता है, स्केप डिजायर टू में है। अगर ज़रा सा भी शक हुआ कि ये मेरा गड़बड़ हो रहा है और ये मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं, तुरंत आपको जो है आपको आपकी क्लिनिक से वो वहाँ से निकलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी दवाई भी नहीं खाएगा। तो स्केप डिजायर टू में है, इस आशा के साथ कि ये मेडिसिन आपको समझ में आई होगी। अगली अभी मैं इसमें इसके चिल्ड्रन के बारे में, हायोसाइमस के बच्चों के बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये तो एडल्ट्स का रिप्रेजेंटेशन है, बच्चे कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं बहुत अच्छी तरीके से हम उसको पहचान सकते हैं, और बहुत बहुत सारे केसेज में हायोसाइमस बच्चों के केस में बहुत बढ़िया से काम करती है। तो इसके अलग अलग सेट्स को और अच्छे से देखने की कोशिश करिए और पढ़ने की कोशिश करिए। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और जहां पर आपको कहीं कोई बात ऐसी है जो समझ में नहीं आती या आपको लगता है कि हमने कुछ आप कुछ और समझ रहे हैं, मैंने कुछ और तरीके से एक्सप्लेन किया है, कहीं कोई आपको क्यूरियोसिटी हो तो आप उसको उसकी इंक्वायरी करिए, इंक्लूसिव बनिए, स्पाइंग एवरीथिंग में मत जाइए। थैंक यू।